के आइकोनिक सप्ताह के तहत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आज पटना में अन्वेषा 2022 नामक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 40 पटना विश्वविद्यालय और विभिन्न महाविद्यालयों के 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से बच्चों का सामान्य ज्ञान भी मजबूत होता है और उन्हें आंकड़ों के महत्व का पता चलता है। जैसा कि अभी इनसे बात हो रही थी कि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो अवेलेबल है उसके बारे में आपकी जिज्ञासा भी उससे बढ़ेगी, और ये सारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर लोग केवल इस कारण से इस्तेमाल करते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प कर सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के दृष्टिकोण से भी उसको आपको जानना चाहिए। अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पटना के उप महानिदेशक एन संगीता ने कहा कि विभाग विभिन्न विषयों पर आंकड़े जुटाकर सरकार को देता है, जिससे योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। आगामी 1 जुलाई से आंकड़ा संग्रह के 19वें दौर की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें जन सहयोग की आवश्यकता है। स्टैटिस्टिक्स का कितना प्रयोग हो रहा है, उन आंकड़ों का कहां कहां उपयोग हो रहा है और किधर किधर हो रहा है, इनकी जानकारी देने के लिए ही ये एक क्विज कंडक्ट किया जा रहा है। इसका मौका उठाते हुए ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पर ही ध्यान दिया गया है। प्रतियोगिता में विजयी युवाओं को पुरस्कार भी दिए गए। प्रतिभागी क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर खुश दिखाई दिए। क्विज कार्यक्रम से सिर्फ हम लोग स्टूडेंट सब पे ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि घर में बैठ इससे इच्छा जागती है अंदर से पढ़ने की भी और भी कुछ करने की, कर दिखाने की। जो खास के तैयारी करें उनके लिए तो ईजी है, लेकिन हम लोग को वैसे भी अप टू डेट रहना पड़ता है। क्वेश्चन काफी अच्छा रहा, बिना ऑप्शन का था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन काफी अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके।